मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की के सेम गर्ल थे। उन दोनों को हम साइड बाय साइड देख रहे थे। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। उन दोनों के पास कैट है और दोनों के एक जैसे ही फैन है। दोनों ही उठने के बाद एक ही चीज कहते हैं, दोनों ब्रश करने के बाद मिरर में देखते हैं। इस तरीके से उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज थी। आज उस लड़की को कोई प्रपोज करने वाला था और ये लड़का किसी दूसरी लड़की को प्रपोज करने वाला है। इसके बाद वो दोनों कपड़े बदलते हैं, वो दोनों फिर अपना रूटीन कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद वो घर से निकल जाते हैं। दोनों को एक आदत थी, घर के बाहर गमले के नीचे वो घर की चाबी रखते थे। इसके बाद वो दोनों अपनी कार में जाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। हमें फिर पता चलता है कि वो दोनों आइडेंटिकल जगह पर ही रहते हैं। इसका नाम अल्कलाव नॉरवुड था। अब हम देखते हैं कि वो लड़का कॉफी शॉप में जाकर बहुत सारे लोगों के लिए कॉफी लेकर आता है। उसे अपने मॉम का वीडियो कॉल आया। उसकी मॉम उसे अपने साथ रिंग ले जाने के लिए कहती है। उसे ये भी कहती है कि अपनी सर्दी की दवाई भी लेकर जाना और रिंग को भूलना मत। इसके बाद वो अपनी मॉम को बात कर ऑफिस चला जाता है। पैरेलल में हम देखते हैं कि सेम टू सेम वो लड़की अपनी मदर से बात कर रही थी कि आज उसने मुझे मिलने के लिए डिनर पर बुलाया है, आज वो शायद मुझे प्रपोज करेगा। हमें पता चलता है कि उस लड़की की सिस्टर की भी शादी हो रही थी, तो उसकी मदर उसे दोपहर में ब्राइडल शॉप में मिलने के लिए कहती है। उसने कहा कि फिर से लेट मत हो जाना। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम है ग्रिफिन। वो अपने सारे फ्रेंड्स को कॉफी दे देता है। उसके फ्रेंड उसे बता रहे थे कि किस तरीके से उसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहिए। इसके बाद हमें उस लड़की का नाम पता चलता है। इसका नाम था मार्गोट और वो एक रियल एस्टेट एजेंट थी। वो अपनी ऑफिस में उसकी फ्रेंड से बात कर रही थी कि उसे अपनी बहन की ड्रेस सिलेक्शन में दोपहर पर जाना पड़ेगा, आज शाम उसकी डेट है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी मदर और सिस्टर के साथ वो ड्रेस ट्रायल दे रही थी। यहाँ पर उसकी सिस्टर के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि जिस डेट के बारे में तुम कह रही हो, वो दोनों फिर और भी ज्यादा झगड़ने लग गए। सिस्टर ने कहा कि तुम मेरी वेडिंग में मत आना। मदर ये देख रही थी और उन दोनों में सुलह कर देती है। इसके बाद हम ग्रिफिन को देखते हैं। वो रिंग लेने के लिए ज्वेलर के पास आया था। सरप्राइजिंगली उसकी मदर भी वहीं पर पहुंच जाती है। वहाँ के एम्प्लॉय से अलग अलग सुंदर बॉक्स देने के लिए कहती है, पर उनके पास वो बॉक्स नहीं थे। इसके बाद मॉम ग्रिफिन से उसके प्रपोजल को रिपीट करवाती है। पहले तो ग्रिफिन मना करता है, पर मदर को कौन टाल सकता है, तो फिर वो बोल देता है, सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर वो किसी और के साथ थे। वो दोनों अपने अपने पार्टनर से उन्होंने पूरे दिन में क्या किया इसके बारे में बात कर रहे थे। वहाँ की वेटर किसी को देखकर चौंक जाती है। एक्चुअल में वो चौंकी थी ग्रिफिन की गर्लफ्रेंड को देखकर। ग्रिफिन की गर्लफ्रेंड एक मॉडल थी। मार्गोट किसी और को डेट कर रही थी जो थर्ड डिग्री ब्लैक बेल्ट था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कीप जो मार्गोट की डेट था वो कहीं अलग ही बीन बजा रहा था। उसे रिलेशनशिप में नहीं रहना था। ग्रिफिन की गर्लफ्रेंड किसी के साथ फोटो खिंचा रही थी। हम देखते हैं कि मार्गोट फिर कीप को वहां पर छोड़कर वहां से निकल जाती है। पैरेलल में जब ग्रिफिन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे किसी और दिन प्रपोज करने के लिए कहती है। ग्रिफिन इस बात के लिए ना कहता है। वो कहता है कि प्रपोजल मेरा है, पर्सनल होना चाहिए, इसे तुम पब्लिक इवेंट नहीं बना सकती। उसकी गर्लफ्रेंड भी नाराज हो जाती है। मार्गोट ने जब अपने लिए उबर मंगवाए तब ग्रिफिन की गर्लफ्रेंड उसमें चढ़ जाती है। इसके बाद ग्रिफिन बाहर आता है। मार्गोट कहती है कि एक रूड लड़की मेरी उबर लेकर चली गई। नेक्स्ट सुबह मार्गोट को अपनी मदर का कॉल आता है। उसे उसकी सिस्टर की वेडिंग के लिए रेडी होने के लिए कहती है। इसके बाद हम ग्रिफिन को देखता है जो रेडी होकर नीचे जाता है और वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद वो एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड ने नोटिस किया कि ग्रिफिन ने उसका टूथब्रश यूज किया। इस बात से वो गुस्सा हो गए और ट्रस्ट के बारे में बात करने लग गए। जाते जाते फिर वो ग्रिफिन को रात में एक पार्टी के लिए इन्वाइट कर जाती है। ग्रिफिन इसके लिए उसे मना करता है क्योंकि उसे अपने फ्रेंड के साथ जाना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रिफिन अपने फ्रेंड्स के साथ एक बाथ हाउस की पार्टी में आया हुआ था। सब लोग वहां पर मसाज करवा रहे थे। ग्रिफिन अपने दोस्तों से बात करता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे सपोर्ट करती है। इसके बाद वो सब लोग मिलकर एंजॉय करते हैं और सब लोग बहुत ड्रंक हो गए। ग्रिफिन फिर अपने सारे फ्रेंड्स को कैब में भेज देता है। इसके बाद हम मार्गोट और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो एक ब्यूटी पार्लर में बैठे थे। मार्गोट बहुत ही दुखी थी। वो दोनों मिलकर फिर एक प्लान बनाते हैं। कीप को किसी ने देखा नहीं था तो किसी और को एज अ कीप वो लेकर जा सकती है। किसी को भी वो टिंडर वगैरह से पिकअप कर सकती थी। दूसरी तरफ ग्रिफिन अपने घर पर आता है और अपनी चाबी ढूंढ रहा था, पर उसे वो मिलती नहीं। वो फिर अपनी स्पेयर चाबी गमले के नीचे से निकाल कर अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाता है। उसे आइसक्रीम जरा अलग लगती है। अंदर जाकर फिर उसने शॉवर लिया और फिर वो सो जाता है। मार्गोट भी थोड़ी देर में अपने घर पर आती है। आकर अपने बेड पर वो सो रही थी और तभी वो ग्रिफिन पर गिर गई। ग्रिफिन इस बात से शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर शॉक हो गए थे। दोनों कहते कि तुम कौन हो। वो दोनों को लग रहा था कि उनका हाउस है।
ग्रिफिन को लग रहा था कि उसका हाउस है, पर वो मार्गोट के हाउस में आ गया था। मार्गोट उसे चोर समझकर पुलिस को कॉल लगा देती है। पुलिस ने कॉल उठाया तो मार्गोट ने कहा कि मेरे घर में कोई घुस कर आया है। पुलिस कहती है कि अगर आपके पास कोई हथियार है तो उसका आप यूज कर सकते हो। ग्रिफिन फिर डर कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिर मामला शांत होता है। मार्गोट की डोर बजती है। मार्गोट ने डोर खोला तो वहां पर कीप खड़ा था। वो अपना टक्स सूट लेने के लिए आया हुआ था। वो दोनों बात ही कर रहे थे तभी ग्रिफिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। कीप मार्गोट से पूछता है कि ये कौन है, यहाँ पर कर क्या रहा है। ग्रिफिन ने कहा कि मैं एक लॉयर हूँ और तुम्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुमने मार्गोट के साथ ब्रेकअप किया। अब मार्गोट चाहती थी कि कीप उसकी जिंदगी से पूरी तरीके से चला जाए और इसी वजह से उसके सामने वो ग्रिफिन को किस कर लेती है। कीप फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद मार्गोट ने ग्रिफिन से माफी मांगी कि उसने उसके साथ ऐसा किया। मार्गोट उसे कहती है कि मेरी सिस्टर की वेडिंग है और मेरे साथ आने के लिए अब कोई भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। उसे हेल्प मांग रही थी। ग्रिफिन ये सुनकर वहां से चला जाता है, पर वो थोड़ी देर में वापस आ गया। उसे कहता है कि वेडिंग में 8 बजे से पहले मुझे वापस जाना पड़ेगा। ग्रिफिन की हाथ सुनकर मार्गोट बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो दोनों फिर वेडिंग में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मार्गोट उसे कहती है कि वेडिंग में तुम्हें कीप बनकर आना पड़ेगा। उसने ग्रिफिन को वही सूट दे दिया जो उसने कीप के लिए बनवाया था। वो दोनों फिर एक दूसरे के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वेडिंग में जाने के लिए रेडी हो गए थे। वो गाड़ी में बैठे तो एक दो गाड़ी शुरू नहीं होती। मार्गोट भी बहुत ही थकी हुई थी। इसके बाद तो दोनों सीट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों अपनी अपनी डेट के बारे में बात कर रहे थे। मार्गोट क्लेमेंटाइन के बारे में जानने के बाद उसे कहती है कि क्लेमेंटाइन एक फ्रूट को सिंपलाइज करता है। वो बाहर से ऑरेंज और मीठा दिखता है, पर जब आप उसे टेस्ट करते हो तो बहुत ही गंदा होता है। इसके बाद मार्गोट ग्रिफिन को जल्दी से गाड़ी मोड़ने के लिए कहती है। गाड़ी ड्रिफ्ट होकर स्नो में जाकर लगी। जहाँ मार्गोट को अपनी सिस्टर के लिए ब्राइडल सूट पिकअप करना था, वो शॉप अब बंद हो चुका था। मार्गोट फिर शॉप के पीछे गई, पर वहां से भी अब बंद था। मार्गोट कहती थी कि मैं यहाँ से चढ़ सकती हूँ। ग्रिफिन ने कहा कि ये तो चोरी है, पर इसके सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। ग्रिफिन ने कहा कि मेरी हाइट तुमसे ज्यादा है, मैं इस पर आसानी से चढ़ सकता हूँ। इसके बाद तो दोनों अंदर जाने की बहुत कोशिश करते हैं। ग्रिफिन अंदर जाकर फिर वेल लेकर आता है। जैसे वो कार में बैठे तो कार का इंजन डाउन हो गया था। दोनों को फिर चलकर ही जाना पड़ता है। चलते चलते दोनों अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं। कैसे ग्रिफिन एक लौता ही बेटा था, सारी जिम्मेदारियां उसे उठानी पड़ती है। मार्गोट भी उसे अपनी सिस्टर के बारे में सारी बातें बताती है। तभी वहां पर एक घोड़ा गाड़ी आई। मार्गोट उसे रोकने के लिए जोर से उसके पीछे दौड़ती है। वहां पर उसका जूता निकल जाता है और ग्रिफिन इन लेकर आया। उस कैरेज में एक ओल्ड कपल था, वो उन्हें उनके साथ बिठा लेते हैं। ग्रिफिन से पूछता है कि आपके आज प्लान्स क्या है। उन्होंने कहा कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। हर मैरिज एनिवर्सरी पर वो अपनी वाइफ को एक न्यू रेस्टोरेंट पर लेकर जाते थे। इसके बाद वो लेडी कहती है कि 58 ईयर्स से हम दोनों मैरिड है, आज भी मेरे हस्बैंड बहुत ही रोमांटिक है। मार्गोट को उनका कोट बहुत पसंद आता है। उन लेडी ने कहा कि इसी कोट की वजह से हम दोनों की मुलाकात हुई थी। ग्रिफिन कहता है कि इसके पीछे तो बहुत अच्छी स्टोरी होगी। इसके बाद वो स्टोरी बताने लगती है। ये बारिश से भरे अक्टूबर की बात थी। उन लेडी के हस्बैंड अपने फ्रेंड हैंग से मिलने के लिए बाहर आए थे। तभी वहां पर उन्होंने एक फेरी में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की देखी। उन्हें वहीं पर उससे प्यार हो गया था। वो उनके पीछे भागे थे पर उन्होंने उसे खो दिया था। दूसरी बार जब वो मूवी देखने के लिए गए तो एक सीट छोड़कर उनके पास एक लड़की बैठी हुई थी और ये वही लड़की थी। उसने वही पिंक कोट पहना हुआ था। मूवी खत्म होने के बाद उन्होंने उसे डिनर के लिए पूछा, पर उस लड़की ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसे फोन नंबर के लिए पूछा, पर फिर भी उसने मना कर दिया था। एक दिन फिर वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे और फिर से उस लड़की से मिले। उसी के बाद से उन दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। थोड़ी देर उन्होंने बात की और लेडी कहती कि हमें लेने के लिए हमारा बेटा आने वाला है। उनकी डेस्टिनेशन अब आ गई थी और मार्गोट को अपना कोट वो दे देती है। वो कहती कि तुम्हें वेडिंग में ये कोट पहनना चाहिए। मार्गोट कहती कि आपका ये लकी कोट है। उन लेडी ने कहा कि अगर यूनिवर्स आपको कोई चीज दे तो आप बहुत ही लकी हो, ये सारी किस्मत होती है, आपको चीज ठुकरानी नहीं चाहिए। ये बात सुनने के बाद ग्रिफिन वहाँ के रेस्टोरेंट के कार्ड को अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। कहता है कि इनका सारा बिल इस पर चार्ज कर लेना, कल सुबह आकर मैं इसे लेकर जाऊंगा। इसके बाद कैरेज में बैठकर वो चले जाते हैं। जब डेस्टिनेशन आती है तो मार्गोट भाग कर अंदर चली जाती है। वो अपनी सिस्टर को वेल पहनाती है। सिस्टर ने कहा कि तुम्हारे जूते गंदे हैं, इसे बदल कर लाओ। जब उसकी मॉम ने उसे पूछा कि क्या कीप भी यहाँ पर आया, तो इसके लिए वो हाँ कहती है। यहाँ पर ग्रिफिन कीप बनकर सबसे घुल मिल जाता है। मार्गोट की मदर आकर ग्रिफिन से बात करने वाली थी, तभी मार्गोट के फ्रेंड को लगता है कि ये वही कीप है जिसने मार्गोट के साथ ब्रेकअप किया है और इसी वजह से उसे थप्पड़ मार देती है। फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे पता नहीं था कि ये कीप नहीं है। मार्गोट उसे दूर से निशाने करती है और फ्रेंड को पता चलता है कि ये कीप नहीं है। तब तक सबको शक चला गया था क्योंकि फ्रेंड ने ब्रेकअप की बात कर ली थी। वो एक्सप्लेन करते कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसके बाद वेडिंग स्टार्ट होती है। मार्गोट की सिस्टर को उसके
उसके फादर लेकर जा रहे थे, पर बीच में लाइट चली गई। पूरे लाइट सिस्टम का बैकअप भी चला गया था। अब लाइट कब आएंगे ये पता नहीं था। ग्रिफिन को फिर एक आइडिया आता है। ऑरेंजेस को काट कर उनमें ओली ऑयल डालकर मॉब की रस्सियों को भिगा कर उनसे वो दिए जलाता है। यही करने में सब लोग लग जाते हैं और थोड़ी देर में हर जगह पर उजाला हो गया था। इसके बाद उसकी सिस्टर की वेडिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। जब वो किस कर रहे थे उसी मोमेंट पर लाइट वापस आ गया। इसके बाद सब लोग डांस करते हैं। ग्रिफिन के यहाँ से जाने का टाइम आ गया था। वो ड्रिंक लेने के लिए जा रहा था तभी वहाँ पर वर्निका आ जाती है। वो ग्रिफिन को कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। ग्रिफिन कहता है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है ये बात हम दोनों के बीच में ही रहने दो। ग्रिफिन को वहाँ के रिलेटिव जाने से मना कर देते हैं। वो वहीं पर रुकते हैं। उसे ग्लैमंडन का कॉल आता है और उसे बात करने लगता है। वो कहता है कि मेरे फ्रेंड को एक इमरजेंसी है और इसी वजह से मुझे वेडिंग अटेंड करनी पड़ेगी। सब लोग फिर ग्रिफिन को फोटोशूट के लिए बुलाते हैं। उन सबका बहुत ही अच्छा फोटोशूट हुआ। ग्रूम एक स्पीच देता है। ग्रूम कहता है कि मैं मेरी वाइफ से फूड पॉइजनिंग की वजह से मिला था। उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी और फिर वो हॉस्पिटल चला गया। वहाँ जो नर्स उसका ख्याल रख रही थी वही आज उसकी वाइफ है। इस बात पर सब लोग उसे चेयर कहते हैं। इसके बाद सब लोग ग्रिफिन को स्पीच देने के लिए कहते हैं। ग्रिफिन फिर वो किस तरीके से मार्गोट से मिला इसकी एक फेक स्टोरी बना देता है। ये सब लोगों को कहानी बहुत पसंद आई। सब लोग फिर मिलकर डांस कर रहे थे तभी उसी मोमेंट पर वहाँ पर रियल कीप आ जाता है। सब कुछ फिर डिस्ट्रॉय होने लग गया। थोड़ी देर में ग्रिफिन और रियल कीप के बीच में फाइट होने लगती है। कीप गुस्सा था क्योंकि ग्रिफिन ने उसका टक्सीडो पहना था। फाइट के दौरान सब लोगों को एक्चुअल में क्या हुआ है सब कुछ पता चल जाता है। मार्गोट फिर वहां से रोते रोते चली गई। ग्रिफिन उसके पीछे जाता है और उसे सॉरी कहता है। वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहां पर कीप आ गया। उसे अपना टक्सीडो वापस मांगता है। ग्रिफिन इस बात पर गुस्सा होकर उसे अपने सारे कपड़े दे देता है। इसके बाद ग्रिफिन बाहर आकर उस कैरेज वाले को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए कहता है। कैरेज वाला कहता है कि आपने तो सारे कपड़े पहने थे, हुआ क्या? ग्रिफिन कहता है कि वहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं था, वो लड़की भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वहाँ पर वो बस स्टॉप पर आ गया। वहाँ से जाने वाले लोग उसे एक जंप सूट दे देते हैं ताकि इसे वो पहन सके। वो फिर होटल पर पहुंचता है और अंदर चला गया। इसके बाद हम मार्गोट को देखते हैं। अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। वो कहती थी कि उस लड़के का नाम है ग्रिफिन और एक मॉडल जिसका नाम है क्लेमेंटाइन इसे शादी करने वाला है। वो और उसकी फ्रेंड किस्मत की बातें करते हैं। इसके बाद ग्रिफिन अपने लिए ड्रिंक मंगवाता है तभी वहाँ पर क्लेमेंटाइन आ जाती है। उसे हर एक चीज के बारे में पूछ रही थी और पूछती है कि तुम्हारा टक्सीडो कहाँ है और पूछती है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ पर है। अब हम पैरेलल में देखते हैं कि क्लेमेंटाइन उसे प्रपोज करने के लिए रेडी हो रही थी और पैरेलल में कीप मार्गोट को प्रपोज करने के लिए रेडी हो रहा था। इसके बाद एक की मूवमेंट आता है। ग्रिफिन अपनी स्पीच देता है और वो प्रपोजल से पीछे हट जाता है। पैरेलल में मार्गोट ने भी कीप का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। मार्गोट फिर उसे हमेशा के लिए गुड बाय कह देती है। ग्रिफिन भी वहां से निकल जाता है और उसे सॉरी कह देता है। ग्रिफिन अपने घर पर आकर कैट को फीड करके सो गया। मार्गोट भी बहुत ही सैड थी तभी उसकी सिस्टर उसके पास आती है। उसे कहती है तुम्हें इस तरीके से बनने की जरूरत नहीं है, तुम जो करना चाहती हो तुम्हें वही करना चाहिए। मार्गोट इस बात से मोटिवेटेड हो गए और वो डायरेक्टली ग्रिफिन के घर पर आके ग्रिफिन आकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। मार्गोट उसे कहती है कि तुम तुम्हारा बैग भूल गए थे, मैं तुम्हें देने के लिए आई। मार्गोट उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने अपना प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। ग्रिफिन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। मार्गोट ने कहा कि इंस्टाग्राम से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ इंस्टाग्राम पे डाला था। मार्गोट उसे कहती है कि यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आई थी। उसे उसकी ड्रेस अनजिप करने के लिए कहती है। मार्गोट के बैग पर ग्रिफिन का टैटू था, इसका मतलब है वो भी उसे प्यार करती है। वो दोनों फिर किस कर इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी उस मोमेंट पर वहां पर क्लेमेंटाइन आके वो कहती कि ब्रेकअप के बाद मैं जो चीजें छोड़ कर गई थी ये सब कुछ मैं लेने के लिए आई हूँ। वो फिर जोर जोर से रोने लगती है। मार्गोट उसे शांत करवाती है। वो फिर थोड़ी देर में वहां से चली गई। मार्गोट को ग्रिफिन का ब्रेकअप करवाने के लिए बुरा लगता है। मार्गोट कहती है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बिगड़ गई। अगले दिन ग्रिफिन अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है। उसके मॉम डैड उसे क्लेमेंटाइन के बारे में पूछते हैं। ग्रिफिन ने कहा कि हम दोनों के बीच में चीजें वर्क होने नहीं वाली थी। उसके फादर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई अच्छी मिल जाएगी। इसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है। वो खुश रहने का ट्राई कर रहा था। जब वो बाहर आया तो मार्गोट की पूरी फैमिली को उसकी फैमिली से मिलता हुआ देखते हैं। सीट पर मार्गोट का वही पिंक कोट पड़ा हुआ था। इसका मतलब है वो डायरेक्टली अब शादी की बात कर रहे थे। वो दोनों खुश होकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं और अब वो दोनों साथ में थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।